लॉकडाउन का उल्लंघन होने पर मुखिया के घर में बकवास। कुछ भी ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? यार मजाक चल रहा है क्या? कुछ भी छाप दे रहे पेपर में। और इस समय हेलो, हाँ भाई तेरे चाचा वो मुखिया है ना? अबे तो एक काम कर, उनको बता देना कि लॉकडाउन में बांस खा खा के मोटे हो गए हैं, अपना गुल्लक बचा कर रखे हैं। और दुबे जी, किसके गुल्लक की बातें हो रही है? अरे तिवारी जी, अरे ये देखिए ना पेपर में भी क्या क्या निकाल रहे हैं आजकल। देखे हम तो ये गुल्लक फोड़ने की बातें हो रही थी। हम भी पढ़े अपने घर पे, आजकल इन लोगों को न्यूज तो मिल नहीं रहा है, कुछ भी छाप दे रहा है उठा के। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हाँ बात तो सही कह रहे हैं। वैसे एक बात बताइए, इतना सुबह सुबह कुछ काम था क्या? अरे नहीं, सोचे कि आए हैं तो चाय पीते चले आपके यहाँ की सुबह में। अच्छा तो ये बात है, सैंडो जरा दो कप चाय लाना। वैसे चाय तो बढ़िया बनाई है भाभी जी ने। नहीं हाँ ये बात तो एकदम सच बोले हैं आप, थोड़ा हम भी देखें कैसा लग रहा है चाय। वाकई में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। असली न्यूज तो हम लोग को ऐसे सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, क्या चल रहा है वहाँ पे? वैसे सोशल मीडिया पे आजकल यही पबजी बैन हुआ है, वही चल रहा है। आपका लड़का तो बहुत पबजी खेलता था, हम देखते थे, क्या हाल चाल है आजकल उसके? कसम से बहुत ही लाजवाब काम किया है इस बार मोदी जी ने, जैसे कि मेरे बेटे से उसके जीने की वजह ही छीन ली। वाह मोदी जी वाह। क्या जीने की वजह वही पबजी? वाह, मुझे तो लगता था ये मरने की वजह है। लगता तो हमको भी था कि टिकटॉक पूरे इंडिया में वायरस की तरह फैल जाएगा, लेकिन नहीं, देखिए क्या अच्छा काम किया मोदी जी ने, वैक्सीन की तरह उसको भी खत्म कर दिया। कुछ भी बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि मोबाइल में बंदूक चलाने से क्या फायदा है? अगर बंदूक चलाने का इतना ही शौक है तो जाओ बॉर्डर पे जाके चलाओ। हाँ वो तो है, आजकल कोई भी राह चलता पबजी खेल के अपने आप को फौजी समझ लेता है। अच्छा ये सब छोड़िए, पबजी और फौजी और ये टिकटॉक तक वो सब बाद में होता रहेगा, पहले ही बताइए कि आपका लड़का आजकल क्या कर रहा है? देखिए ये मत बोलिए, कसम से बहुत बुरा लगता है। जब भी मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा पढ़ ले नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो बोलता है मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ऐसा बात नहीं है, लग रहा है आजकल आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं। साला ये एक SSC और रेलवे वाले परेशान करके रखे हैं, मतलब क्या, मतलब मजाक चल रहा है? 5 साल पहले का फॉर्म भरे हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, जिसका एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट नहीं आया। ये देखिए तो एक बार, एक मिनट मोबाइल कहाँ गया मेरा, रुकिए दिखाते हैं। नहीं देखे हैं सारे, नौकरी छीन ले रहे हैं और बोल रहे हैं 300 रुपया रिफंड कर देंगे। का 300 रुपया? 300 रुपया तो सीधे की साहब को किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जा। लेकिन कुछ भी कही है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन न्यूज वाले को भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मुखिया और सरपंच का ही न्यूज छापेंगे। बच्चों का भविष्य कहा जा रहा है इसके बारे में उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखिए ये बात आप एकदम गलत बोले हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। न्यूज वाले ये क्यों दिखाएंगे SSC और रेलवे के बारे में? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये बहुत छोटा मुद्दा है। नहीं बड़ा मुद्दा तो ये है कि तैमूर का छोटा भाई आने वाला है। अब खान साहब की प्रॉपर्टी को दो भागों में बांटना पड़ेगा, ये है असली मुद्दा। SSC और रेलवे कोई मुद्दा है? समझ रहे हो ना? और हाँ ये कोहली जी भी लॉकडाउन में अपना बल्ला चलाए हैं, उसका भी फल आने वाला है, ये है असली मुद्दा। रिपोर्टर्स ये सब दिखाएंगे, ये कभी नहीं दिखाएंगे कि SSC का और रेलवे का एग्जाम कराओ। टिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है यार, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं चोट के बच्चे। खैर छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है इससे मीडिया वालों को और गवर्नमेंट को, लेकिन हाँ अगर आपका लॉकडाउन में समय टाइम पास नहीं हो रहा है तो फिर यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, देखिए टाइम पास कीजिए।
अगर कोई भी वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पर आइए और हमारे चैनल पर वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिल जाए। अगर हमें आपका भी चैनल पसंद नहीं आया तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि पसंद ना आए, लेकिन अगर पसंद नहीं आता है सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके न्यूज़पेपर पढ़िए। रुको जरा, सब्र करो। राखो पे राखो पिंजरा मस।